हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट दिस एंड डैम्ड का यूज़। अगर हमें इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो कैसे इनका यूज़ करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल के ज़रिए इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। मैं जानता हूँ इस बात से तुम बहुत परेशान हो। आई नो यू आर वेरी अपसेट अबाउट दिस। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। आई एम वेरी अपसेट अबाउट दिस। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है। ही इज़ वेरी अपसेट अबाउट दिस। अगर कोई गर्ल्स होती तो हम सी लगाते। यह लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। These people are very upset about this matter. मैंने है नहीं लगाया इसके लिए, I'm sorry. उस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। I am very upset about that matter. वो इस बात को लेकर अब तक upset है। He is still upset about this. स्टिल का मतलब होता है अब तक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डैम्ड। डैम्ड का मतलब होता है लानत है कह सकते हो, या धिक्कार है। चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए देखते हैं। धिक्कार है तुम पर, डैम्ड यू। डैम्ड का मतलब होता है धिक्कार है, लानत है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लानत है तुम पर, डैम्ड यू। लानत है तुम्हारी ताकत पर, डैम्ड योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के जगह पे आप पावर का यूज कर सकते हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे आदमी पर, डैम्ड टू ए मैन लाइक यू। लाइक यू के जगह पे आप एस यू का भी आप यूज कर सकते हो, उसका मतलब भी होता है सेम। धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर, डैम टू योर यूथ। लानत है तुम्हारे जैसे दोस्त पर, डैम ए फ्रेंड लाइक यू। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, लाइक यू के जगह पे आप एस यू का यूज कर सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।